हाँ जाहिद जी जी, जाहिद जी जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, समाज सेवी चंदन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि दंगा को लेकर कुछ कहा है, किन लोगों पर आरोप लगाया है इन्होंने? जी जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जमशेदपुर के आज बिष्टपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में समाज सेवी चंदन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, उनके धर्म पत्नी सपना यादव भी उपस्थित थी। इन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चंदन यादव का कहना है, जिस तरह का अभी माहौल शहर का चल रहा है दुर्गा पूजा के बाद, काफी खराब माहौल है। लोग यहाँ पर, तीन लोगों का नाम दिया है उन्होंने, खुलेआम बयान दिया है मीडिया के सामने, तीन लोग जो है माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, शहर को बचा लिया जाए प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं और सभी मामले पे इन्होंने खुलासा किया। जी, किन लोगों पर आरोप लगाया है ये? देखिए, तीन लोगों पर आरोप लगाया है, जिसमें आपका पहला नाम आपका आ रहा है अभय सिंह का, दूसरा नाम आ रहा है इरफान अंसारी का, तीसरा नाम आ रहा है बाबर खान का। ये तीन लोगों पे इन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है। इन तीन लोगों ने, तीन लोगों के द्वारा शहर बिगड़ रहा है, इसको जल्द से जल्द रोके, नहीं तो इन तीनों को जेल के सलाखों में भेजे, तभी जाकर के शहर का माहौल जो है शांत होगा। जी जी जी, धन्यवाद जाहिद जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से, सोना न्यूज के लिए। मात्र तीन आदमी को जिला का प्रशासन जेल में डाल दो, सारा मुद्दा खत्म, एकदम स्पष्ट। बाबर खान, अभय सिंह, इरफान अंसारी अगर हमारे शहर में दोबारा घुसता है तो उसको डालो, सारा मुद्दा खत्म। मेरा हिंदू नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा, मेरा मुसलमान नहीं चाहता है काट पीट। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो सारे हिंदू को कि मार देना रात में, अब ऐसा ना हो कि मस्जिद में कोई सुअर फेंक दे, कोई मंदिर में गाय फेंक दे, भी हो जाएगा और ये रंग हो जाएगा हिंदू मुसलमान का। हम सारा खेल समझ रहे हैं, अभय सिंह का भी, बाबर खान का भी, इरफान अंसारी का भी। इसीलिए हम आपके सारे न्यूज बंधु से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर, कि हमारे शहर को आपके हाथ में है, प्रेस बंधु के हाथ में है, प्रेस बंधु भी साथ दीजिए शहर को बचाने के लिए। चौथा स्तंभ हम प्रेस को बोलते हैं, हम प्रेस बंधु से आग्रह करते हैं, हमारा शहर को जलान आप जलने से बचिए। बस मुझे तो ये नेताओं के ऊपर बहुत हंसी आ रही है कि ये जो दो साल गायब थे, अपने घर में बंद थे, अपने ही घर पे बंद होके अपना जान का रक्षा कर रहे थे, उस समय यही हिंदू, यही मुसलमान, यही सारी जाति धर्म मर रहे थे, उस समय ये कभी नहीं देखे कि मेरा हिंदू जल रहा है, मेरा मुसलमान जल रहा है, सब भूख से मर रहे थे। और रात और दिन हमने समाज का सेवा किया और हर जाति के लोगों को बचाने का काम किया। अब क्या हो रहा है? और अगर अभी हमारा समाज में अगर किसी भी तरह का दंगाए फसाद हुआ तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे। हम एक नारी है और जब एक नारी जागती है तो बहुत बुरा हो जाता है, ये सभी को पता है। और हम इसका टीम बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं एक नारी शक्ति का, कि अगर किसी ने भी समाज को डिस्टर्ब करने का काम किया, वो चाहे किसी कौम से हो, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अभी जो ये अभय सिंह का जो डेली का डेली एक जुमलाबाजी चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अरे ये ही कम से कम इतना ही समाज को बिना खर्चा किए तो इतना आप सबका आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करते, तो आज कोरोना से लोग जो इतना जल के मरे हैं, कम से कम ये लगता कि हाँ हमारा बेटा कुछ बोल रहा है। लेकिन ये तो अपने कासीडी का बेटा तक साबित नहीं हुए। इनके बगल घर में राशन पहुंचाने का चंदन यादव और सपना यादव ने किया, इनके बगल घर का लोगों को बचाने का हमने काम किया। ये इतना बड़ा बम्पर बना के रखे हैं, सबसे पहले तो ये बम्पर को तोड़ने का काम करे, नहीं तो कल मैं जाके खुद ही तोड़ दूंगी। इसलिए क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समाज को जब हमने बचाया है तो समाज के किसी भी व्यक्ति को आंच आने नहीं देंगे। जी हाँ, लेडीज मेंस और किड्स वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम जयशील गारमेंट्स, लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर, हमसे सस्ता कोई नहीं, बैग 50% डिस्काउंट पर। साथ ही साथ यहाँ मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनों में स्लीप वेल मैट्रेस 10% के डिस्काउंट के साथ, कुछ नियम एवं शर्तों के साथ। साथ ही साथ पिल्लो, कुशन, बेड शीट, कम्बल, चादर की भरपूर रेंज मिलेगी आपको हमारे जयशील गारमेंट्स में। पता याद रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर जयशील कॉम्प्लेक्स, न्यू बुंडू रोड, ओवर ब्रिज के सामने।